ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रियांशी एंड वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने प्लांट किंगडम के पूरे फाइलम्स या फिर कह दे डिवीजन्स हमने पूरे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमको क्या स्टार्ट करना है, एनिमल किंगडम, और इसके अंदर के हम बहुत सारे फाइलम आज पढ़ने वाले हैं। सो आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमलिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सबसे पहले यूकैरियोटिक होंगे, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक कौन, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक पे, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए। नाउ देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। ये तो हमको पता है कि जो एनिमल में सेल्स होती हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। मोस्ट एनिमल आर मोबाइल, देखो इनमें से जो मोस्ट एनिमल होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, जो मोस्ट एनिमल होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब जो चल फिर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट लिखा है, ये नहीं बोला कि ऑल। तो इनमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कर सकते हैं, ठीक है। हम इनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे कि कौन ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके आगे दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसीशन फाउंड, ठीक है। इनके बॉडी में कैसा डिज़ाइन है, कैसा डिफ्रेंसीशन है। डिफ्रेंसीशन मतलब किस प्रकार से इनके अलग अलग पार्ट एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे अब हम इनको कई सारे फाइलम में डिवाइड करेंगे और उन फाइलम को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतना समझ में आया एनिमल के बारे में, क्या क्या एनिमल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये सारे नोट डाउन कर लेना, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस लेक्चर के पहले भी हम एनिमल किंगडम के बारे में इतनी कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ही चुके हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, तो सबसे पहले अपने पास जो फाइलम है उसका नाम क्या है, पॉरीफेरा, ठीक है। अब देखो इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब जिनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और पोर्स का मतलब होल्स, ठीक है। पोर्स का मतलब बेसिकली होता है होल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। अब देखो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स, ठीक है। अब ये पॉरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल, ठीक है। देखो सबसे पहले ही हमको एक्सेप्शन मिल गया। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोबाइल, इस पर मोस्ट जो थे वो मोबाइल थे, लेकिन यहाँ पर हमको एक्सेप्शन जो दिख रहा है वो क्या है, पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकते, अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। इतनी समझ में आई, ठीक है। एंड अटैच टू द सम सॉलिड सपोर्ट, अब ये चल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनको नीचे से किसी सॉलिड सपोर्ट ने पकड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, दीज देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। इनके पूरी बॉडी में होल्स होते हैं, या फिर जिनको आप पोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ है, होल्स बोलो या फिर पोर्स बोलो। फिर दीज लीड टू कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। अब देखो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने पॉरीफेरा बोला, ठीक है, इसमें ये पोर प्रेजेंट है। पोर के थ्रू क्या जाएगा, जो बाहर में, जो बेसिकली ये एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी अपने को मिलता है। तो पानी वाले एरियाज में जब यहाँ होते हैं तो इनके आसपास जो पानी में फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी ऑक्सीजन इनको चाहिए, ठीक है। अब एनिमल है, जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, तो जो भी इनको ऑक्सीजन चाहिए और जो भी फूड इनको चाहिए तो ये कहाँ से लेते हैं, अपने वाटरी एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब किसके थ्रू लेते हैं, ये जो होल्स प्रेजेंट है इसमें, इसी होल्स के थ्रू वो फूड पार्टिकल्स एंड एयर यानी ऑक्सीजन को अपने बॉडी में इंटर करने देते हैं, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन या फिर फूड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब देखो सर्कुलेशन तो ज़रूरी ही होगा, क्योंकि हमको बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन एंड फूड पहुंचाना है, तो सर्कुलेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पोर्स इसमें प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते हैं, कैनाल सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम मतलब ऐसे, कैनाल का मतलब सुरंग, ठीक है, सुरंग बनाते हैं
और इस सुरंग के थ्रू, इस कैनाल के थ्रू जो ऑक्सीजन एंड द फूड क्या होते हैं पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो फिर से, दिस लीड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कैनाल सिस्टम फॉर्म करते हैं ये जो होल्स हैं, और इनके थ्रू क्या होता है फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी में अंदर सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद दीज एनिमल आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केल्टन। ठीक है, अब इनकी ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी को ऊपर से कवर किए होते हैं एक हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब उसका नाम क्या है देखो, तो ये हार्ड आउटसाइड लेयर से कवर होते हैं, ठीक है, और उस कवर का हम नाम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी तुम स्केलेटन नाम सुने हो, ठीक है, हड्डियों के इस पूरे सिस्टम को हम स्केलेटन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई बोन्स नहीं होती, ठीक है, ये हार्ड लेयर होती है, सिर्फ हार्ड लेयर है जिसको हमने क्या बोल दिया है स्केलेटन यहाँ पे बोल दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, वेट, तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। इसके बाद द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमम डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो बॉडी है सब, अब देखो बॉडी में सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से, कुछ भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं होती। ठीक है, सारा काम बॉडी के एक ही पार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन बहुत कम अपने को देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या है डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारी बॉडी में लंग्स का अलग फंक्शन चल रहा है, ठीक है, अलग जगह पे, फिर वहीं पे हार्ट है अपना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है। ठीक है, और सारे काम अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पोरोफेरा के बॉडी में देखें तो उसमें हमको ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर डिवीज़न ऑफ टिश्यू भी नहीं होता। देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट नहीं हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि और जो ऑर्गन है वो नहीं प्रेजेंट है बहुत सारे, ठीक है, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है, और ये ऑर्गन बने हुए तो टिश्यू से ही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अपने को कुछ समझना नहीं, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से याद भी रख लेना है। ठीक है, क्या याद रख लेना है कि इनमें डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो टिश्यू का डिफरेंशिएशन और डिवीज़न ऑफ टिश्यू भी अपने को बहुत कम देखने को मिलता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, और इनको देखो पोरोफेरा का दूसरा नाम क्या है स्पॉन्जेस। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। आर मेनली फाउंड इन द मैराइन हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मैराइन हैबिटेट, ठीक है, तो मैराइन हैबिटेट का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली मैराइन का मतलब होता है सी। ठीक है, सी से रिलेटेड। अब सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो अपन कह सकते हैं कि कैसे वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ठीक है, सी जो सी के वाटर होता है जनरली अपन को सॉल्टी मिलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सॉल्टी हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट अगर वाटर एक्वेटिक हैबिटेट है तो एक्वेटिक हैबिटेट टू टाइप का हो सकता है, सबसे पहला एक तो मैराइन और एक फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंटेंट कम होगा और मैराइन वाटर में सॉल्ट का कंटेंट फ्रेश से ज़्यादा होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, अच्छा इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, तो सबसे पहले आपको कॉपी में डालना है पोरोफेरा। अब देख लेते हैं पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, होल्स कह लीजिए या फिर पोर कह लीजिए, और इसीलिए इनको हम पोरोफेरेंस बोलते हैं, पोरोफेरेंस। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इनको और हम क्या बोलते हैं स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम स्पॉन्जेस है। तो ये हो गया इनका पूरा नॉमेनक्लेचर नाम के बारे में। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, रुके हुए थे, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इनको नीचे सॉलिड सब्सटेंस से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको पकड़ के रखता है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने पढ़ा तीसरी चीज़ क्या पढ़ा कि जो इनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को अलाउ कराते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं बाय मेकिंग द कैनाल सिस्टम। फैसिलिटेट करते हैं मतलब हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, कैनाल सिस्टम बना करके। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद चौथी चीज़ हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी के ऊपरी कवरिंग होती है, ठीक है, हार्ड कवरिंग जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, और ये स्केलेटन बोनी नहीं होता पर इसको हम फिर भी स्केलेटन बोलते हैं क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्ड आउटसाइड लेयरिंग होती है।
इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि इसमें लेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। बॉडी डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है और डिवीजन ऑफ टिश्यू भी बहुत कम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद सिक्स हमने क्या पढ़ा कि ये हमको मेनली कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, और एक्वेटिक के अंदर भी कौन से हैबिटेट, मैराइन हैबिटेट में, ठीक है। तो इतनी याद रहेगी, छः पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। और सातवां पॉइंट क्या होगा, सातवां पॉइंट एग्जांपल्स होंगे। तो एग्जांपल ये डायग्राम से देख लो, ठीक है, साइकॉन है, फिर यू प्लक्टिला है, उसके बाद स्पॉन्जिला है, ठीक है। ये तीनों आपको ऐसे एज इट इज ऐसे कैसे याद ही रख लेने हैं, ठीक है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिलेंट्रेटा, या फिर जिसको हम नाइडेरियंस भी बोलते हैं। तो क्या नाम है, सिलेंट्रेटा, कोई गलत नहीं पढ़ेगा, क्या नाम है, सिलेंट्रेटा, और जिनको हम नाइडेरियंस भी बोलते हैं। जैसे तुम अपना ही देख लो, तुम्हारा नाम स्कूल में लोग कुछ और बोलते होंगे, घर में कुछ और बोलते होंगे। तो जो स्कूल का नाम है वो उसका क्या है, सिलेंट्रेटा, एंड घर में इसको क्या बोलते हैं, नाइडेरियंस। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो देखो, दीज आर दी एनिमल लिविंग इन वाटर, ये कैसे है, एक्वेटिक है, ठीक है, वाटर में लिव करते, यानी ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएशन। अब हम इनमें देखें तो ये जो पहला हमने पॉलीफेन्स पढ़ा था उनके कंपैरिजन में सिलेंट्रेटा में हमको थोड़े ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे बॉडी में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ हो गई डिफरेंशिएशन, इसमें थोड़ा थोड़ा हमको देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉलीफेन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा, ठीक है। देयर इज़ अ कैविटी इन बॉडी, इनके बॉडी में क्या होता है, कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कैविटी का मतलब बहुत बड़ा होल, ठीक है, बहुत बड़ा होल को ही हम क्या बोल देते हैं, कैविटी बोल देते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, ये बात समझ में आ गई। द बॉडी इज़ मेड ऑफ टू लेयर ऑफ सेल, देखो इनकी बॉडी है, ये अंदर वाली लेयर है, इसके बाद ये बाहर वाली लेयर है, ये दोनों लेयर किससे बनी है, सेल से बनी हुई है। तो इनकी बॉडी दो लेयर ऑफ सेल से बनती है, ये पहला लेयर ऑफ सेल है, मतलब इसमें सेल ही सेल है, ठीक है, सेल नंबर वन टू फिर यहाँ पे थ्री फोर फाइव ऐसे सेल अरेंज हैं, और उन्होंने ये अंदर वाला इंटरनल लेयर बनाया है, इसके बाद बहुत सारी सेल अरेंज हैं और उन्होंने ये एक्सटर्नल लेयर बनाया। तो इनकी बॉडी क्या, दो लेयर से बनी होती है, टू लेयर्स ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वन मेक अप द सेल ऑन, ठीक है, एक यहाँ पे क्या बोला है, वन मेक अप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। अंदर वाली लाइनिंग मतलब एक इनर लाइनिंग जो अंदर से अटैच है, ये इनर लाइनिंग है, और एक ही एक्सटर्नल लाइनिंग है, मतलब आउटसाइड द बॉडी है। तो ये दो लेयर समझ में आ गई सेल की। नाउ इसके बाद हमको क्या दिया है, सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना कि अपने कॉलोनी यानी एक मोहल्ला होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे सिलेंट्रेटा एक साथ मिलकर के रहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया सिलेंट्रेटा की ये पूरी कॉलोनी कहला गई। तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं सिलेंट्रेटा जो, देखो सिलेंट्रेटा में भी बहुत टाइप होते हैं, बहुत सिलेंट्रेटा एक फाइलम है, फाइलम के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है, ऊपर से फाइलम बोल दिया, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं इनमें से कुछ लोग कैसे साथ में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, जिनका एग्जांपल क्या है, कोरल्स, कोरल से एक ऐसे सिलेंट्रेटा होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं, वाइल अदर हैव दी सॉलिटरी लाइक स्पैन हाइड्रा, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, और उनके एग्जाम्पल कौन है, स्पैन बोल दो या फिर हाइड्रा बोल दो, फिर जेलीफिश, सी एनिमनी, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए जो सॉलिटरी हैबिटेट में रहते हैं। तो इतना समझ में आ गया तुम लोग को ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेंट्रेटा के बारे में हो गया। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बस इनको पॉइंट बना करके कॉपी में लिखते जाना है और एज इट इज़ याद करते जाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। तो अब देख लो फिर से कैसे हमको पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले टॉपिक डालोगे सिलेंट्रेटा, दूसरा नाम क्या है इनका, नाइडेरियंस। अब पहला पॉइंट क्या होगा कि ये तो पहले एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मतलब वाटर वाले हैबिटेट में रहते हैं। सेकंड इसमें क्या देखोगे कि मोर डिफरेंशिएशन अपने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएशन मिल जाता है, यानी बॉडी डिज़ाइन में और चीज़ें ऐड होती जाती हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या लिखोगे, इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैविटी। चौथी चीज़ क्या लिखोगे कि जो बॉडी है बॉडी में टू लेयर से बनती है, बॉडी में जो सेल्स हैं वो दो लेयर बनाती हैं, एक तो इंटरनल लेयर जो कि इंटरनल लाइनिंग से कनेक्टेड है,
लाइनिंग का मतलब होता है इसका किनारे, ठीक है, किनारे किनारे की जो चीज़ें होती हैं इनको हम लाइनिंग्स बोलते हैं। तो इनर लाइनिंग से कनेक्टेड है अंदर वाली लेयर, और बाहर जो आउटसाइड द बॉडी है वो एक्सटर्नल लेयर हो गई, ठीक है। तो ये दो टाइप की क्या हो गई, लेयर्स हो गई इसमें, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है कि ये, अब देखो इनका है जो रहते हैं, इनका हैबिटेट दो टाइप से हो सकता है। पहला तो ये कैसे सॉलिटरी रह सकते हैं, या फिर दूसरा कॉलोनी में रह सकते हैं। तो कॉलोनी में रहने वालों का नाम क्या है, कोरल्स, सी फॉर कॉलोनी, सी फॉर कोरल्स, ठीक है। और जो सॉलिटरी रहते हैं, जो यानी अकेले रहते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनिमने हो गया, ये तीन एग्जाम्पल इसके, ठीक है। तो ये अपने पास पांच पॉइंट अपने को मिल गए, समझ में आ गया। सो अब देखो यहाँ पे अपने, अरे सॉरी, अपने को क्या देख लेने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेने हैं, और उसमें जो डायग्राम में क्या एग्जाम्पल दिए, हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया है और दूसरा सी एनिमने, ठीक है। ये दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनके डायग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम क्वेश्चन में आ गया, बोल दिया कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो हाइड्रा आपने बचपन में भी देखा होगा, आई थिंक, है ना, नाइन्थ से पहले वाली बुक में भी देखा होगा, और सी एनिमने लेकिन पहली बार देख रहे हो, तो याद रखना है ना ये दोनों एग्जाम्पल। ओके, क्लियर हो गया पूरा सिलेंट्रेटम। मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट हमारे क्या है, प्लेटी हेलमिंथीस। ये स्लाइड थोड़ी ज़्यादा ही भरी भरी दिख रही है ना, तो आप लोग तो घर में हो इस टाइम पे, अपने अपने बुक खोल के बैठ जाओ, स्लाइड में सिर्फ सुनते जाना है ना, स्लाइड से ज़्यादा मैच करोगे तो अच्छे समझ नहीं आएगा, इतना भरा सा दिख रहा है, बुक से मैच करते जाना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं ना प्लेटी हेलमिंथीस के बारे में। द बॉडी ऑफ द एनिमल इन दिस ग्रुप इज मोर फार कॉम्प्लेक्सली डिजाइन देन इन द लोअर टू अदर ग्रुप, ठीक है। जो पहले के हमने दो ग्रुप पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, एक तो नाइडेरियंस पढ़ लिया और उसके पहले पॉरीफेरा, तो उनमें हमने क्या देखा था, बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं था, पॉरीफेरा में तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर हमने पढ़ा कि जो नाइडेरियंस या फिर जो सीलेंट्रेटा है उनमें थोड़ा बहुत अपने को डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला था, पॉरीफेरा के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत देखने को मिला था। लेकिन अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लेटी हेलमिंथीस, तो ये दोनों से भी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन अपने को किस में मिलता है, प्लेटी हेलमिंथीस में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा और इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी और कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइन होती है, यानी ऐसा समझ सकते हो कि इनकी बॉडी में और अच्छे अच्छे ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि और अच्छे तरीके से बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। द बॉडी इज बायलेटरी सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि ये किसी की बॉडी है जिसको हम बीच में से जब हम काटते हैं, ठीक है, बीच में से जब हमको डिवाइड करते हैं तो राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम अपने आप को एग्जांपल ले लो, ठीक है, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे अपने आप को एग्जांपल लेके चलो कि अगर तुमको बीच में से ये तुम हो, ठीक है, अब इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं होगा लेकिन ऐसा कुछ कुछ है ना, तुम हो, अगर तुमको यहाँ बीच में से कट किया जाए, हालांकि कौन ऐसा करेगा, कभी कोई नहीं करेगा, लेकिन एग्जांपल के लिए कि अगर बीच में से ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को कट किया जाए, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो देखो ये राइट साइड वाला पार्ट और ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, और किसी का यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो जाता, ठीक है, ये कोई और स्ट्रक्चर होता किसी ऑर्गेनिज्म में, तब अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो राइट वाले पार्ट में देखो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है लेकिन लेफ्ट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो तब उस टाइम पे हम क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल, यानी कि उसमें हम कोई भी सिमेट्री ड्रॉ करें तो हमको दोनों भाग बराबर नहीं दिखेंगे, दोनों पार्ट सिमिलर नहीं दिखेंगे, तो ये होती एसिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ पे हम जो प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ रहे हैं वो कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी उनकी बॉडी को जब हम बीच में से कट करते हैं, मिड लाइन में से कट करते हैं, तो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखा है द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन, राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट दोनों में सारी डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है इसमें, सब सेम अपने को देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर देयर आर द थ्री लेयर, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, देयर आर थ्री लेयर ऑफ द सेल विच फॉर्म डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी है, बॉडी में तीन लेयर प्रेजेंट होती है, ये देखो ये पहली लेयर हो गई, इसके बाद ऊपर में बनाएंगे ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, और इसके और ऊपर में बना रहे हैं ये तीसरी लेयर हो गई,
डायग्राम इतना ढंग का नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस कि इनकी बॉडी में कितने 3 लेयर ऑफ टिश्यू अपने को प्रेजेंट होते हैं। देखो ये 3 लेयर के बारे में, और अब ये 3 लेयर प्रेजेंट है ठीक है, इसीलिए इन बॉडी को हम ऐसे जो प्लेटिहेलमिंथीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 3 लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम विच द डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड मतलब अलग अलग प्रकार के हमको टिश्यू अलग अलग लेयर में देखने को मिलते हैं, विच आर वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर ऑफ टिश्यू अपने को, 3 लेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अपने को इसमें प्लेटिहेलमिंथीज में देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन टू बी मेड। अब देखो इनकी 3 लेयर हैं ठीक है, टिश्यू की 3 लेयर अपने को प्रेजेंट है। अब ये 3 लेयर की होने से क्या होता है कि अंदर की लाइनिंग बनती है, बाहर की लाइनिंग बनती है, और उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे कुछ ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है ठीक है। जो हमने पहले के एग्जांपल पढ़े हैं ठीक है, कौन कौन से, सीलेंट्रेटा, उसके बाद पॉरीफेरेंस, यहाँ पे अपने को कोई भी ऑर्गन्स देखने को नहीं मिला था ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे जैसे हम और आगे की नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, तो इस तरह में क्या होगा और अच्छे अच्छे मतलब और अच्छे अच्छे फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते जाएंगे, हम और अच्छे बनते जाएंगे ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे जो 3 लेयर्स ऑफ अपने को टिश्यू देखने को मिला है, तो पहली लेयर में से इनर लाइनिंग बन जाएगी, दूसरी लेयर में से आउटर लाइनिंग बन जाएगी, और जो बीच में उनके स्पेस खाली होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन मतलब थोड़े बहुत ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो अब ये जो ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन्स किस में से बनेंगे, टिश्यू के कलेक्शन में से ऑर्गन बनते हैं। तो अगर ऑर्गन बनना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होगा ठीक है। बेसिकली टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है देयर इज़ द सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ कुछ टिश्यू फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलेगा। हाउ एवर देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट थी सीलेंट्रेटा में और जो पॉरीफेरेंस के अंदर जो अपने को कैनाल मिला था, ये सारी चीज़ों को हम सीलोम्स नहीं बोलते, ये सीलोम नहीं कहलाती है ना। तो सीलोम का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू की लेयर्स है उनके बीच का जो गैप होता है, उनके द्वारा बनाया गया जो गैप होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैविटी। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। टिश्यू के या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है ठीक है, तो टिश्यू की अलग अलग लेयर होंगी, उनके बीच में कुछ कैविटी बनेगी और उस कैविटी को हम सीलोम बोलेंगे। लेकिन प्लेटिहेलमिंथीज में क्या होता है, हमको ये कैविटी देखने को नहीं मिलती। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन इनमें हमको कैविटी देखने को, बॉडी कैविटी या फिर जिसको हम सीलोम बोलते हैं वो अपने को नहीं मिलती। बेसिकली ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं मिलती, फॉल्स मिल सकती है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अलग अलग लेयर होंगी है ना, और अलग अलग लेयर होने के मतलब से क्या होगा कि बीच में कुछ ना कुछ कैविटी रह जाएगी। कैविटी रह जाने का मतलब क्या है कि उनमें सीलोम का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सीलोम बनता है उसको हम कैसा, फॉल्स सीलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रू सीलोम, मतलब देखो ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हमको सीलोम के अंदर चाहिए वो सारी प्रेजेंट है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक हमको सीलोम के अंदर चाहिए वो सारी नहीं प्रेजेंट, कुछ कुछ प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको फॉल्स सीलोम बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है। अभी भी किसी को अगर डाउट होगा ना ये सारी चीज़ों में तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कभी मुझे मैसेज करके पूछ लेना। कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से बता दूँ और समझा दूँ, लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ट्रू सीलोम या फिर ट्रू कैविटी देखने को नहीं मिलती, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी अकोमोडेटेड ठीक है। इनमें कोई कैविटी नहीं होती जहाँ के कोई ऑर्गन, अच्छा वेल डेवलप्ड ऑर्गन प्रेजेंट हो ठीक है। ये चीज़ हो गई। द बॉडी इज फ्लैट एंड डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली मतलब जैसे देखो तुम्हारे जो पीठ वाला हिस्सा है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं ठीक है, और जहाँ सामने चेस्ट वाला हिस्सा है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। तो ऐसे समझो कोई ऑर्गेनिज्म है ठीक है, अपने आप को ही समझो। तो अगर बोल रहे हैं यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन मतलब आगे पीछे से, पीठ से और पेट से तुम पूरा फ्लैट हो गए है ना, तो इसीलिए इनको प्लेटी हेलमिंथीज बोलते हैं। प्लेटी मतलब होता है प्लेट के जैसा। तो इनकी बॉडी क्या, डॉर्सो वेंट्रली मतलब आगे पीछे से फ्लैट होती है, प्लेट के जैसे होती है, समझ गए
है ना, फ्लैट, इसीलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। तो प्लैटीहेलमिंथीज का दूसरा नाम क्या है, फ्लैट वॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल मतलब पेट वाला हिस्सा, वेंट्रल मतलब अपने पेट वाला हिस्सा, तो ये दोनों कैसे फ्लैट होते हैं, दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं, है ना, तो इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग हो सकते हैं मतलब कि अपना खाना खुद ढूंढेंगे, ठीक है, आवारा की तरह घूमेंगे, ठीक है, मतलब वो फ्री हैं, अपना खाना खुद कहीं से ढूंढ सकते हैं, खा सकते हैं। और कुछ होते हैं जो पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब एक इनको एक बॉडी की ज़रूरत होती है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी। इस होस्ट बॉडी की इनको ज़रूरत होगी और इनके ऊपर ही ये रहेंगे, बाहर घूम नहीं सकते, क्योंकि ये जो होस्ट बॉडी है इसमें से ही इनको क्या खाना पीना मिलेगा, ठीक है, इनके ही प्लाज्मा में से ये खाना लेंगे खुद के लिए, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। तो प्लैटीहेलमिंथीज की जो हैबिटेट है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद क्या है, इसके एग्जांपल, तो सम एग्जांपल आर फ्री लिविंग एनिमल लाइक प्लानेरिया और पैरासिटिक एनिमल लाइक लिवर फ्लू। तो आपको बताया हैबिटेट दो टाइप से हो सकता है, एक तो फ्री लिविंग, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक के एग्जाम्पल क्या है, लिवर फ्लू, ठीक है, याद रख लेंगे, पैरासिटिक के एग्जाम्पल लिवर फ्लू और फ्री लिविंग का एग्जाम्पल कौन है, प्लानेरिया, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। दो एग्जाम्पल तो यहाँ से मिल गए, तीसरा एग्जाम्पल कहाँ मिल रहा है, टेपवॉर्म, ये डायग्राम में से, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्लैटीहेलमिंथीज के तीन एग्जाम्पल याद रखने, कौन कौन से, प्लानेरिया, लिवर फ्लू एंड टेपवॉर्म। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो ये हो गया प्लैटीहेलमिंथीज के बारे में। तो अब एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा, ठीक है। सबसे पहले आपको टॉपिक डालना है प्लैटीहेलमिंथीज। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसमें डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी को हम मिड लाइन प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों कैसे बराबर दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमको राइट में देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर अपने को लेफ्ट में देखने को भी मिलेंगे, तो ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख लेना है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनकी बॉडी में थ्री लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थ्री लेयर ऑफ टिश्यू, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दिए। अब देखो लेयर प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो गैप होगा, ठीक है, उसके कारण कोई कैविटी बनेगी, टिश्यू के लेयर के कारण जो गैप होगा वो कैविटी बनेगी, उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। तो इनकी बॉडी में चूंकि इनकी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो कोई ना कोई तो सीलोम प्रेजेंट होगा, है ना कोई कैविटी तो प्रेजेंट होगी, लेकिन ये कैविटी कैसी होती है, फॉल्स कैविटी होती है, ठीक है, करेक्ट कैविटी नहीं होती है, जैसी हमको चाहिए वैसी कैविटी होती नहीं है, थोड़ी बहुत कैविटी की जैसे दिखती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कैविटी, फॉल्स सीलोम बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली अपने को क्या, इसमें ट्रू सीलोम देखने को नहीं मिलता। ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया कि इनको इसमें अपने को ट्रू सीलोम नहीं मिलता है, ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या होगा, इनका जो हैबिटेट है, तो ये कैसा हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, या तो पैरासिटिक हो सकता है या फिर फ्री लिविंग। तो पैरासिटिक के लिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, लिवर फ्लू, और फ्री लिविंग के लिए जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लानेरिया। ये दो चीज़ें होगी। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, टेपवर्म। ये तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और एक और चीज़ अपन छोड़ चुके हैं, वो क्या है, इसको ऐड कर लेंगे, वो क्या है, छठवीं पॉइंट में अपन ऐड कर लेंगे, क्या है कि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली मतलब आगे पीछे से फ्लैट होती है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। आर वी क्लियर विद ऑल दी पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लैटीहेलमिंथीज? क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, मतलब इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, बहुत आसान है। इतना जो पैरा दिख रहा है ना, इतना डरावना सा, इसको पॉइंट वाइज लिख लो अपनी कॉपी में और फिर उसमें से ही पढ़ो, ठीक है, फिर सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी, इतना डरावना सा नहीं लगेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेमाटोडा, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो नेमाटोडा क्या होते हैं, तो नेमाटोडा में क्या लिखा है, द नेमाटोडा इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर इनकी बॉडी ये है तो बीच में से अगर कट किया तो राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाला पोर्शन एक दूसरे के पूरा सिमिलर होगा,
बायलैटरल सिमेट्रिकल समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब थ्री लेयर ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू अपने को देखने को मिलेगा इनके बॉडी में। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए। इसके बाद हाउ एवर द बॉडी सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। ठीक है, इसके पहले जो हमने प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ा था, प्लेटी हेलमिंथीस में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लैट बॉडी होती है, डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैट होते हैं, लेकिन अगर हम निमाटोडा में देखें तो वो कैसे फ्लैट नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल ये होते हैं निमाटोडा। इतनी बात समझ में आई, बट नो रियल ऑर्गन, अच्छा देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे इस वाले अगर हम फाइलम में देखें, एनिमल फाइलम में, तो यहाँ पे अपने को टिश्यू मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े टिश्यू, इसे पहले भी अपने को बताया था कि थोड़े बहुत अनस्पेशलाइज्ड ऑर्गन थे। ठीक है, थोड़े बहुत हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑर्गन है और कह सकते हैं कि टिश्यू है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कोई अच्छे तरीके से अपने को टिश्यू या फिर ऑर्गन देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा निमाटोडा, यहाँ पे अपने को क्या टिश्यू देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना, अच्छे तरीके से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब ये टिश्यू है। ठीक है, तो टिश्यू कलेक्ट हो गया, ऑर्गन बनाते हैं, तो ये कलेक्शन और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है टिश्यू कलेक्ट होकर ऑर्गन बनाए, ये इनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब टिश्यू एक दूसरे के पास आकर के ऑर्गन नहीं बनाएंगे। ठीक है, कलेक्ट होकर ऑर्गन नहीं बनाएंगे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे कोई भी रियल ऑर्गन अपने को देखने को नहीं मिलता। ऑल दो अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोसियोलोम इज प्रेजेंट। इसमें क्या थर्ड पॉइंट क्या लिख लेना आपको यहाँ पे अपने, अच्छा थर्ड पॉइंट तो हो गया, थर्ड पॉइंट पे अपने क्या लिखा कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है रेदर देन फ्लैट। रेदर देन मतलब उसकी अपेक्षा, फ्लैट होने की अपेक्षा क्या है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में अपने को क्या लिखना है कि इनकी बॉडी स्यूडोसियोलोमेट होती है। स्यूडोसियोलोम का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब जो फॉल्स है, स्यूडो का मतलब फॉल्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने क्या बोला था, यहाँ पे अपने को ट्रू सीलोम नहीं मिला था। इस बारे में भी अपन ने यही पढ़ रहे हैं कि इनमें कोई ट्रू सीलोम नहीं मिलता। सीलोम मतलब टिश्यू की जो लेयर्स है उनके बीच की जो कैविटी है उसको हमने सीलोम बोला है। तो निमाटोडा में भी अपने को कोई स्पेसिफिक कोई ढंग का अपने को क्या नहीं मिलता, सीलोम नहीं मिलता। बेसिकली वहाँ पे स्यूडो सीलोम मिलता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सीलोम अपने को मिलता है। ये वर्ड बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, निमाटोडा का स्पेसिफिक है कि जो निमाटोडा की बॉडी होती है कैसी, स्यूडो सीलोमेट होती है। स्यूडो मतलब जो फॉल्स है, जो गलत है ना, पूरे अच्छे तरीके से सीलोम उसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, दीज आर वेरी फैमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म कॉजिंग डिसीज। ठीक है, जो निमाटोडे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, किस लिए कि ये बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है निमाटोडा। अब कौन कौन से देखो, सबसे पहली बीमारी है जिसको हमने एलिफेंटियासिस कहा है। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पैर। ठीक है, हाथी रोग, हाथी पैर जो भी बोलते हैं। तो ये जो है ये कौन कॉज करता है, निमाटोडा। निमाटोडा एक एनिमल है जो कि डिसीज़ कॉज करता है, जिसको हमने एलिफेंटियासिस बोला। और निमाटोडा देखो, निमाटोडा है ये तो क्या है, फाइलम है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इस ऑर्गेनिज्म का हमने इसका नाम क्या बोल दिया, मान लो इसका नाम हमने बोल दिया फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, इसका नाम है फाइलेरियल वॉर्म और ये क्या करता है, एलिफेंटियासिस कॉज कराता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस कराता है। एलिफेंटियासिस एक डिसीज़ है जिसको हिंदी में हाथी पैर या फिर हाथी रोग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इंटेस्टाइन में कुछ वॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे कई सारी डिसीज़ होती हैं। तो वो जो डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका नाम क्या है, राउंड वॉर्म या फिर पिन वॉर्म। समझ में आ गया, तो वहाँ पे जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनका नाम क्या है, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। सो दिस इज़ अबाउट द निमाटोडा। निमाटोडा के पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालना है निमाटोडा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री होती है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। चार पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, चौथा पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है कि ये जनरली डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या है, फेमस है। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कौन कौन से डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली डिसीज़ कौन सी है, एलिफेंटियासिस। इसको कॉज करने वाला वॉर्म उसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, फाइलेरियल वॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद जो इंटेस्टाइन की जो डिसीज होती हैं उसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है,
राउंड वर्म एंड पिन वर्म, ठीक है, राउंड वर्म बोल दो या फिर पिन वर्म बोल दो, तो ये ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज कराते हैं। तो समझ में आ गया क्या चीज़ें आज हमने पढ़ी? हमने क्या पढ़ा, नेमाटोडा पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में आप अब पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ा दिया है। अच्छा डायग्राम देख लेना, डायग्राम में क्या क्या एग्जांपल है, एस्केरिस है और रुचिनेरिया, ये दोनों एग्जांपल को आप याद रख लेना। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है ना कि 9th क्लास में स्पेलिंग का ज़्यादा मैटर नहीं करता, टीचर स्पेलिंग को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते स्पेलिंग के साथ। तो रुचिनेरिया नाम याद रखो, स्पेलिंग याद करने मत बैठना, ठीक है, धीरे धीरे लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएगी, तो नाम याद रखो, ठीक है। फिर स्पेलिंग अपने से बना के लिख देना और टीचर मार्क्स भी बढ़िया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ होते हैं टीचर जो स्पेलिंग को मैटर रखते हैं, तो उनकी अलग बात है। तो ये हो गई नेमाटोडा के बारे में, ठीक है, नेमाटोडा के सारे पॉइंट बता दिए। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, प्लेटिहेल्मिंथीज, ठीक है, जिनकी बॉडी क्या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन थी, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसके बाद सिलेंट्रेटा पढ़ा था, इसमें क्या अपने को कैविटी मिलती है बॉडी के अंदर, और पॉलीफेरा जिनमें अपने को होल्स मिलते हैं। तो ये अपन ने 1, 2, 3 एंड 4 अपन ने फालेमास पढ़ लिए, ठीक है। आपका काम क्या है, जाइए और अपने बुक से इनको रीड आउट कीजिए, एक एक वर्ड को पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाओ अपने, एक एक पॉइंट कर करके लिखो, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे ना रिवाइज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं, तो अपनी कॉपी में से ही पढ़ना, इतना बड़ा बड़ा पैरा मत पढ़ने बैठना, ठीक है। जो पॉइंट्स लिखे उन पॉइंट्स को ही पढ़ो, और अगर कोई नोट्स बना रहा है, ठीक है, जैसे बनाना तो चाहिए सबको, लेकिन कुछ होंगे बकवास जो नहीं बनाते होंगे, तो लेकिन जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको पॉइंट वाइज ही करके लिखना है, ठीक है। ऐसे पैरा के रूप में मत लिख देना कि तुम पैरा लिखने बैठ जाओ, पॉइंट करके लिखना है ना, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो थैंक यू।